तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ में एक न्यू वैकेंसी निकला है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो मन तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का न्यू वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, आरपीएफ की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया दोस्तों, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों। यहां पे देखिए पोस्ट नेम दिया गया दोस्तों, जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद पर इसमें वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी 25,500 पदों पर निकाली गई दोस्तों, जो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। इसका आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो सीबीटी होगा दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीएमटी होगा, पीईटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए एग्जाम का पैटर्न के बारे में बताया गया दोस्तों, जो कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, कितना नंबर का रहने वाली है। तो देख सकते हैं टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 120 मार्क का रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, जनरल से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, रीजनिंग से रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी दिया गया, इसे स्क्रीनशॉट मारकर आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में बताया गया, जो 21,700 से लेकर 35,500 रुपये तक पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिल सकता है दोस्तों। अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आप कुछ भी पास किए हैं, आवेदन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए एज लिमिट के बारे में बताया गया है, जो आपका एज 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है तो 3 वर्ष अधिक छूट दिया जाएगा दोस्तों, और वहीं एससी एसटी वालों को 5 वर्ष अधिक छूट दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आगे, यहाँ पे देखिए किस तरह से फॉर्म भरना है, उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिखा गया दोस्तों। इन सभी का लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम जवाब देने का जल्द प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं दोस्तों। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रेलवे का ऑफिशियल साइट पर चला जाएंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसका ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, जब भी लिंक एक्टिव होगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का न्यू वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब की जानकारी के साथ।